हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने रिसेंटली कार परचेज करी है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी डिलीवरी का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज जाके देखो और प्यार दो, ठीक है। तो मैंने कार के लिए 5 ऐसी चीज़ें मंगाई हैं जो कि क्यों लिखनेस नहीं, हर एक कार में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करी है, ठीक है। बहुत सारी वीडियो देखी हैं, अमेजोन लिंक देखे हैं, उसके बाद मैंने 5 डिसाइड करी हैं जो कि होनी ही होनी चाहिए हर एक कार। तो पहले से शुरुआत करते हैं, ये इसका पैकेज है, तो हम इसको ओपन करते हैं। तो पहला जो है वो है बॉडी कवर। एक होता है कि तुम शोरूम से लो, वहाँ से भी मेरे को 1200 रुपये का पड़ रहा था, और बाहर से मुझे 900-800 रुपये का पड़ रहा था नॉर्मल। वो होते हैं वाटर रेसिस्टेंट, ठीक है, बट मैंने लिया है वाटर प्रूफ। इसमें ना पानी कितना भी डाल दो, बिल्कुल भी जो कार की जो बॉडी होती है वो बिल्कुल भी गीली नहीं होगी, ठीक है। तो ये है, मैं लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हाँ, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, क्योंकि अभी इतनी वैल्यू नहीं है मेरी कि मेरे को स्पॉन्सर्स मिले, ठीक है। बट हाँ, ये प्रोडक्ट मेरे को अच्छे लगे, जेन्युइन लगे, तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं। मैं बिल बता देता हूँ, रेट है इसका 1899, अप्रॉक्स 1900 रुपये का है, लेकिन फुल वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, तो मटेरियल ऐसे ही पता चल जाएगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं जा सकता भाई, ना पानी ना कुछ। अभी प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। ये इसकी बेल्ट है जो नीचे से पूरी पैक हो जाती है, ठीक है, कहीं उड़ने का भी डर नहीं इस चीज़ का। तरह थोड़ा हम प्रैक्टिकल यूज़ करके भी दिखाएंगे आपको, ये पानी का, ये देखो पानी बिल्कुल नहीं गिरा, और ये बिल्कुल अटक गया, जैसे होता नहीं मोमबत्ती के ऊपर परत लग जाती है। सो दोस्तों, चेक करते हैं अब नेक्स्ट आइटम। ये चार्जर पेट्रॉन का, बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड प्रोडक्ट दिखा रहा था मुझे, और कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत छोटा, बहुत ही हल्का है, ठीक है, 12 वोल्ट वाले में लग जाएगा। और यहाँ पे देखो, टाइप सी है, और 3.5 एम्पियर का USB है, और एक 3.0 का फास्ट चार्जिंग में काम आ सकता है। तो ये लगा देंगे, और ऊपर से यहाँ पे अपनी USB केबल लगा देंगे, और ये रात को ना ग्लो भी करता है, बहुत प्यारा लगता है, तो मैं वो वाली वीडियो भी लगाऊंगा। जिन भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो सारे मैं अपने कार पे लगा के दिखाऊंगा कि ये एक्चुअल में कैसे। नेक्स्ट आइटम के पास वो है ये चार्जिंग केबल। चार्जर तो मंगा लिया, लेकिन अब ये तो है नहीं कि हम अपने मोबाइल के चार्जर गाड़ी पर लगाएं और फिर यहाँ दोबारा लेके आएं, तो मैंने एक अलग से मंगा लिया, ये 3-in-1 है, ठीक है। ये है आईफोन जो पुराना मॉडल आता था, ये टाइप सी है, और ये नॉर्मल USB वाली जो नॉर्मल एंड्रॉयड मोबाइल की है। तो क्या होता है ना, हम जैसे केबल होती है तो वो बहुत उलझती है, तो मैंने ये वाला मंगाया है, ये तो ये अपने आप आ जाएगा अपनी जगह पे, दोनों के एक साथ खींचना होता है इसमें। तो ये मैं आपको कार पे लगा के ही दिखाऊंगा, बट हाँ ये है कि वायर उलझेगी नहीं, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और इसके साथ ये भी आई, ये रबड़ आई जो किनारे पर लगाते हैं ताकि टूटे ना जल्दी, ड्यूरेबिलिटी। अगला है सबसे सस्ता और सबसे अच्छा मोबाइल होल्डर। एक्चुअली क्या है, बाकी जो नॉर्मल होल्डर मैंने देखे थे, महंगे भी थे सस्ते भी, वो डैशबोर्ड पे लगते हैं या मिरर पे लगते हैं, ठीक है, सामने वाली, बट उनका ना वो दाग वाग रह जाता है, या मेरे को डर लगता है थोड़ा, तो मिरर में इस तरह से, और ये एडजस्टेबल है पूरा पूरा, कहीं पे भी घुमा लो। 5वां प्रोडक्ट फाइनली आ चुका है। तो ये है 169 के 2 पीस, और ये आप देख सकते हैं मिनी डस्टबिन है कार के लिए। और क्यों यूजफुल है मैं बताता हूँ, ये ऐसे लग जाता है, ये पुश का है, इसमें स्प्रिंग लगी होती है यहाँ पे। अभी ये यूजफुल क्यों है मैं बताता हूँ। कभी क्या होता है, जैसे हम टोल पे जा रहे हैं, ठीक है, पड़ती है वो, हम वहीं गुच पुछ करके वहाँ डोर के पॉकेट है ना, वहाँ पे डाल देते हैं, या कहीं पे डाल देते हैं, या रास्ते में फेंक देते हैं, या कुछ खाते हैं तो टिश्यू पेपर तो मिल जाता है, लेकिन उसको क्या है, रास्ते में फेंक देते हैं। अच्छा क्या है, सबके पास एक ना होल्डर तो होता ही है, सारी कारों में होता है, कोई भी महंगी हो छोटी कार हो तो बस। और ये देखो, बहुत है यार, पता नहीं कितना कूड़ा जमा हो जाएगा इसमें, तो देखो कितना सही भी लग रहा है, पानी पीने का सामान हो रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, कार को हमने पैक कर दिया है बॉडी कवर से, ये मिरर के लिए भी पोर्शन, एंटेना के लिए भी देर का पोर्शन, कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो बाकी प्रोडक्ट के लिए अब हम चलेंगे सीधा कार के अंदर। ये रहा हमारा मैजिक बॉक्स, ठीक है, जिसमें तो दूसरा प्रोडक्ट था हमारा पेट्रॉन का चार्जर, ये लगेगा 12 वोल्ट वाली, यहाँ सॉकेट में इसको दबाना है थोड़ा सा, और ये अंदर चला जाएगा, ये लाइट भी जल रही है, मैं रात को भी दिखाऊंगा, ये बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। ये पेट्रॉन का चार्जर ऐसा लगता है रात को, मस्त लगता है। तीसरा प्रोडक्ट है ये, जो अपना पिन रिवाइंड हो जाती केवल, इसको या तो यहाँ लगा दो, ठीक है, या USB में लगा दो, कहीं पे भी, मैं यहीं लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब ये ऐसे वापस आ जाएगा, ठीक है।
और अगला है ये इस मिरर पे लग जाएगा, इसको मैं भी दिखाता हूँ। ये फिट हो गया, ठीक है, ये ऐसे एक्सपेंड हो जाता है, इसको ऐसे खींचना है, इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती, ठीक है। इसको एडजस्ट कर लिया अपने हिसाब से, ये एडजस्ट हो जाएगा। और ये जो है ये पूरा यहाँ से ढीला हो जाता है, यहाँ से टाइट हो जाएगा। आपको जिस हिसाब से रखना है, जस्ट मेरे को यहाँ पे रखना है इस एंगल पे, तो मैं यहाँ टाइट कर लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे इसको टाइट कर लूँगा, ये मस्त हो जाएगा। तो ये पांचों प्रोडक्ट हम यहाँ प्लेस कर देंगे अपन। ये सारे प्रोडक्ट के जितने भी लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और सारे ही मैंने अच्छी तरह सोच समझ के जितने भी R&D करी है उसके हिसाब से मैंने निकाले हैं, तो आप जाके इनको परचेज कर सकते हैं। 4 out of 5 वाली रेटिंग है, यूजेबिलिटी के पर्पज से मैं बता रहा हूँ।